तो भाई लोग जैक स्नाइडर ने डिज्नी को आर रेटेड स्टार वॉर्स मूवी पिच की थी मगर उन्होंने वो कैंसिल कर दी, जिसकी वजह से जन्म हुआ रेबल मून का। तो गुरु तुमने रेबल मून के रीसेंट मोल्टन लावा प्लेटेड स्वॉर्ड्स के स्टिल्स तो देखे ही होंगे, जहां साथ में स्नाइडर ने एम्पायर के साथ इंटरव्यू में बोला कि उन्होंने डिज्नी से लेकर लूकस फिल्म तक सबको स्टार वॉर्स की अपनी एक फिल्म को पिच किया हुआ था, जहां उनका कहना था कि भाई उन्हें उनके कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कैरेक्टर से कुछ भी छेड़छाड़ वो नहीं करेंगे, उन्हें उनका कुछ भी नहीं चाहिए, वो बस अपना एक अलग से थिंक करना चाहते हैं कि क्या और पॉसिबल है इस यूनिवर्स में। एंड यस, वो पूरी पिक्चर आर रेटेड होगी, जिसपे से वो जानते ही थे कि भाई ये मना हो ही जाएगी, मगर दिल को तसल्ली देने के लिए एक बार उन्होंने पूछ लिया कि कल को ये बात ना हो कि भाई आप हमारे पास आए क्यों नहीं। जिसपे से फिर स्नाइडर ने नेटफ्लिक्स के साथ अपना एक स्पेस ऑपरे का यूनिवर्स बनाया रेबल मून नाम से, जिसके आगे चल के फैमिली फ्रेंडली कट्स एंड हार्ड आर रेटेड अडल्ट कट्स भी आएंगे। बाकी तुम्हें क्या लगता है, डिज्नी ने जैक स्नाइडर के आर रेटेड स्टार वॉर्स मूवी को रिजेक्ट करके क्या सही किया?